देश में आज से शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, कहा बच्चों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की भी सुविधा उपलब्ध। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की भी सुविधा। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में चिन्हित किए गए 159 सेंटर। दिल्ली के स्टेट हेल्थ मिशन ने जारी की लिस्ट। यूपी चुनाव में फिर हुई औरंगजेब जिन्ना की एंट्री। गिरिराज सिंह का बयान, यूपी में योगी के 5 सालों में आज ना जिन्ना की राह पर चलने वालों की खैर है ना ही औरंगजेब की राह पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एसपी सांसद हसन ने जिन्ना से की सीएम योगी की तुलना। बोले, योगी सरकार का दो कौमी नजरिया जिन्ना जैसा। उत्तर प्रदेश के आतरस में श्रीकांत शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकारें डरती थी, उन्हें लगता था कि रोजा इफ्तार कराने से ही सरकारें चलती हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अमेठी दौरा, राजकीय मेडिकल कॉलेज अमेठी की रखेंगे आधारशिला। अमेठी के मुबारकपुर मैदान में सीएम योगी विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित, स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद। यूपी के मेरठ में पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा प्रहार, कहा पहले यूपी में माफिया खेलते थे अपना खेल, अवैध कब्जों का टूर्नामेंट होता था यहां। पीएम मोदी का बयान, पहले बेटियों पर फप्तिया घसने वाले खुलेआम घूमते थे, घरों से बाहर निकलने में डरती थी बेटियां। पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारों की वजह से पलायन का खेल हुआ, मेरठ और आसपास के लोगों के घर जला दिए जाते थे। पीएम मोदी ने कहा कि अब योगी जी की सरकार अपराधियों के साथ खेल रही है, अब बेटियां यूपी का नाम रोशन कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा मेरठ लोकल को ग्लोबल बना रहा है, खेल सामान का व्यापार करोड़ों का है, दुनिया भर में पहुंच रहा है यहां का खेल उत्पाद। पीएम मोदी ने कहा गन्ना किसानों को दिया गया रिकॉर्ड भुगतान, पहले की सरकारों में बेची गई थी चीनी मिले। यूपी सरकार को लेकर सपा पार्टी का ब्राह्मण कांड, लखनऊ में अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की पूजा कर फूका चुनावी बिगुल। अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति और 68 फीट ऊंचे फरसे का किया अनावरण, कहा हमें सर्व समाज के साथ ब्राह्मण समाज का भी मिल रहा है आपात समर्थन। फरसा, धनुष बाण और चक्र के साथ नजर आए अखिलेश यादव, एक साथ ब्राह्मण क्षत्रिय और यादवों को साधने की कोशिश। अखिलेश के दर्शन पूजन के बाद मंदिर को आम लोगों के लिए खोला गया। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बना है भगवान परशुराम का मंदिर। पीएम मोदी के बयान के बाद अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा जनता इस बार बीजेपी का खेल खत्म करेगी। भगवान परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी देने का वादा, अखिलेश बोले भगवान परशुराम के आशीर्वाद से यूपी में सपा की सरकार बनेगी। लखनऊ में बीजेपी पर जमकर गरजे अखिलेश यादव, कहा छापेमारी में जो पैसा मिला सब बीजेपी का था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरा, आज परेड ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का एसपी और बीजेपी पर जोरदार प्रहार, अरविंद केजरीवाल ने कहा अखिलेश सरकार ने कब्रिस्तान बनाए, योगी सरकार ने सिर्फ शमशान बनाए। केजरीवाल ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का भी लगाया आरोप, लोगों से अपील करते हुए कहा एक मौका हमें दो, हम बनाएंगे स्कूल अस्पताल। यूपी के बाराबंकी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का एसपी पर निशाना, कहा अखिलेश ने कब्रिस्तान में सोए मुर्दों के लिए बाउंड्री बनवाई, जिंदा आदमी के लिए क्या किया। 4 जनवरी को सीएम योगी का देवबंद दौरा, एटीएस कमांडो सेंटर्स का रखेंगे आधारशिला। नए साल में देवबंद को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, एटीएस सेंटर में 100 से अधिक कमांडोज की तैनात की। बेहतरीन कार्य करने के लिए सहारनपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बबीता को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित, आज लखनऊ में होगा सम्मान समारोह। यूपी के बस्ती में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा, बीजेपी की रैली में मुस्लिम समर्थकों की भारी भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक, भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन का फैसला, अगले आदेश तक रहेगी रोक। इत्र कारोबारी पंपी जैन के घर पर 65 घंटों से चल रही है छापेमारी, आज भी रह सकती है जारी। सपा एमएलसी पंपी जैन को हिरासत में ले सकती है आईटी की टीम, सूत्रों के हवाले से खबर। 40 करोड़ रुपयों की विदेशी फंडिंग के सवाल पर भड़के एसपी एमएलसी पंपी जैन, विदेशी फंडिंग से किया इनकार। छापेमारी पर बोले सपा एमएलसी पंपी जैन, आईटी टीम को कुछ नहीं मिला, अधिकारी कर रहे हैं मौज। पंजाब कांग्रेस में फिर से सियासी उठापटक तेज, डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा दे सकते हैं इस्तीफा, सिद्धू से नाराजगी के चलते इस्तीफे की पेशकश।
पंजाब के फगवाड़ा में नवजोत सिंह सिद्धू का चुनावी वादा, कहा सूबे में दोबारा कांग्रेस सरकार आने पर 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, अगर ऐसा नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। रैली के दौरान सिद्धू ने बीजेपी पर ज्यादा निशाना, कहा जालंधर बीजेपी ने अपना दफ्तर 5 साल में नहीं खोला क्योंकि पार्टी के नेताओं को पता था कि किसानों का विरोध उन्हें झेलना पड़ेगा। दिल्ली में आज होगा बीजेपी शासित राज्यों की मीटिंग, जेपी नड्डा लेंगे विकास के रोडमैप की जानकारी। राकेश टिकैत ने सरकार को फिर जारी किया अल्टीमेटम, बोले हर साल निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, एमएसपी पर सरकार नहीं मानी तो इस बार संसद तक जाएंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा में निर्माणाधीन पुल का लोहा गिरने से 13 लोग जख्मी, सेना और प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हरियाणा के भिवानी मानी हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 5, सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले अगर मिली अनियमितता तो होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा के जींद में 2 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खामी के चलते किया गया लैंड। केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति का बीजेपी करेगी विरोध, आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे चक्का जाम। हरियाणा के हिसार में बोले राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, किसानों को लेकर खिलाड़ियों तक दी जा रही है मदद, हिसार के विकास कार्यों में करते रहेंगे सहयोग। हरियाणा के हिसार में अग्रवाल सेवा समिति के 26वें वार्षिक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा बतौर मुख्य अतिथि रहे शामिल, हुआ भव्य स्वागत। हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जरूरतमंदों को बांटे गर्म कपड़े, कार्यक्रम में बोले डॉक्टर सुभाष चंद्रा इस मुहिम को जोरों से चलाने की जरूरत। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, दिल्ली में AQI 381। गुजरात के सूरत में बाइक पर पिस्तौल के साथ स्टंट करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। ठंड और शीतलहर के चलते काशी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से बंद, 8 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी के आदेश।